मेरी साउंड आ रही है आप लोगों को? यस मैम। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, याद है? मैम लास्ट हमने डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज देखा था। ठीक है, क्या था उसमें चार पॉइंट? कैसे हम लोग डिफरेंस देखेंगे? ऑनलाइन ठीक है, क्या था बताओ? सेक्शन सेक्शन, पहले सेक्शन सेक्शन था, उसके बाद सब सेक्शन, हाँ फिर क्लॉज था मैम, उसके बाद सब क्लॉज। हम लोग डिफरेंस कैसे देखेंगे कि कौन सा सेक्शन है और कौन सा क्लॉज है? मैम इफ बेसलाइन के बाद अगर कोई सेक्शन दिया हुआ है हाँ तो मैम वो क्लॉज होता है। क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लॉजेस आर स्टार्ट विथ क्लॉज लोअर केस स्मॉल लेटर और स्मॉल लेटर बताओ, इंडिपेंडेंट रहेगा एंड और देयर मैं विल बी रिलेटेड रहेगा रिलेटेड टू ईच अदर। इच अदर। और क्या था? फुल स्टॉप नहीं होगा, सेमी कॉलम होगा। सेमीकॉलन। ठीक है, तो उससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज अ सेक्शन और अ क्लॉज। ओके, और एक छोटा सा मीनिंग देखा था, किसका देखा था? सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और स्मॉल कंपनी, याद है ना? स्मॉल कंपनी में एक लिमिट था, क्या लिमिट था? टर्नओवर शुड नॉट बी मोर देन 20 करोड़। कितना? 20 करोड़। हाँ, टर्नओवर 20 करोड़ और पेड अप कैपिटल 2 करोड़। 2 करोड़। ठीक है, और ये क्या था? सेक्शन 8 मैम एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव क्या था? सोशल सर्विस। नहीं, मैंने जो बताया था वो बताओ। डोनेशंस ग्रांट्स। हाँ नहीं, वो भी नहीं। साइंस कॉमर्स आर्ट्स प्रेस सी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, रिलीजियस, एडुकेशन, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स और चैरिटी। ये याद नहीं रहेगा इतना छोटा सा? सेक्शन 8 का मेन पॉइंट ये है, ठीक है? और जिसका ऑब्जेक्ट क्लियर रहना पड़ेगा कि उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है, अब बताओ, डाउट बताओ, एग्जाम्पल का बताओ। एग्जाम्पल क्या था? कौन सा टॉपिक का था? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, फिर से रिपीट करो, स्टूडेंट सुनिए, बताओ। वेट वेट, ए लिमिटेड होल्ड्स 30%
शेयर्स इन बी लिमिटेड. नेक्स्ट ए लिमिटेड होल्स 52% इन सी लिमिटेड. अच्छा सी लिमिटेड होल 27%. हाँ किसी को याद है ये एग्जांपल? इसका रिलेशन बताया था ना, सी और बी में. किसी को याद है ये एग्जांपल क्या था? ए एन बी, ए एन सी, बी एन सी. होल्डिंग सब्सिडियरी का क्वेश्चन था. बताओ रिलेशन क्या है? सब्सिडियरी का लिमिट कितना है? मोर देन 50%. अभी देखो इससे स्टार्ट करो. और क्या था? जॉइंटली जॉइंटली मोर देन 50%. अभी देखो खुद आंसर आ जाएगा. तुमको बताना है होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन. स्टूडेंट वीडियो क्लियर आ रहा है? कोई एग्जांपल याद है कि नहीं है? ए लिमिटेड होल्स 30% शेयर्स इन बी लिमिटेड. ठीक है, फिर से ए लिमिटेड होल्स 52% एंड सी लिमिटेड. तो तुम अगर डायरेक्ट डायरेक्ट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा. तुमको देखना होगा ए लिमिटेड होल्स सी लिमिटेड 52%, विच इज मोर देन 50%. दैट मीन्स ए इज होल्डिंग एंड सी इज सब्सिडियरी. नेक्स्ट देखो ए प्लस सी इक्वल टू बी. देखो ए 52% और सी, सॉरी ए 30% और सी 27%. हाउ मच? 57%. दैट मीन्स ए एंड बी, ए इज होल्डिंग और बी इज सब्सिडियरी. सी होल्ड्स 27% इन सी लिमिटेड विच इज एसोसिएट बट नॉट होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन. एसोसिएट का लिमिट कितना होता है? 20%, एटलीस्ट 20%. कन्फ्यूजन कहाँ पर है? कैसे ले? ए बी ठीक है. क्वेश्चन ठीक है. अगर हम लोग इसमें ले रहे हैं ना, जैसे तुम बोल रहे हो कि ऐसे ए और बी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन है, इसमें होल्ड किसने किया है? ए ने होल्ड किया है. क्या सी ने होल्ड किया है ए को? इसीलिए नहीं हो रहा है ना. हम लोग देखेंगे ए होल्ड्स सी एंड अगेन ए होल्ड्स बी. समझ में आया? क्यों नहीं यहाँ पर आया ए और सी का प्लस?
स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया क्यों होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं बनता है बी और सी के बीच में? कौन कौन? इसमें तो होल्डिंग ए है और सी सब्सिडियरी है, ठीक है? अगर क्वेश्चन में घुमा के दिया कि सी इज होल्डिंग और ए इज सब्सिडियरी एंड एनी परसेंट लाइक 50%, तो फिर ये नहीं होता, ठीक है? स्टूडेंट आप लोगों को साउंड आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस मैम। समझ में आया क्वेश्चन? क्या डाउट था? ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। प्रॉक्सीस। प्रॉक्सीस मतलब, प्रॉक्सी में हम लोग आएंगे बाद में, फिर भी एक बता दे रहे। प्रॉक्सी मतलब तुम्हारे बिहाफ में कोई दूसरा आके तुम्हारा क्लास कर रहा है, ठीक है? जिसको तुमने राइट्स दिया है कि तुम जाओ, जाके मेरे बिहाफ पे बैठ के क्लास अटेंड करो। सिर्फ अटेंड का परमिशन मिलता है उसको, और जो नोट्स है नोट्स मेरे लिए लिख के लाओ, ठीक है? समझ में आया प्रॉक्सी क्या है? ठीक है, किसी को पता है गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? जो गवर्नमेंट चलाती है। और एनीवन? PSU, ठीक, जिसमें 51% स्टॉक गवर्नमेंट होल्ड करता है। जो 51% होल्ड करता है शेयर्स। हाँ, 51% शेयर्स होल्ड करता है, ठीक है, 51%। और तुम क्या बोले थे कि जो गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है? दोनों किसी ने बोला जो गवर्नमेंट चलाते हैं कंपनी, और किसी ने बोला जो 51% मोर, ठीक है? दोनों ही गलत है। इसमें गलत क्यों है? बुक में तो लिखा है 51% और मोर है ना बुक में? पेज नंबर 355 है ना बुक में? 51% मोर, 51% बुक में शायद ऐसा दिया हुआ है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस अ गवर्नमेंट कंपनी एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% और पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय CG, ठीक है? तो हम लोग अभी जो सही है उसको देखेंगे, लेट नहीं करते हैं। विच इज एटलीस्ट 51% और गवर्नमेंट जिसमें होना पड़ेगा एटलीस्ट 51% हेल्ड इन CG सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और CG प्लस SG स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है?
एग्जांपल दे के समझे। सीजी होल्ड्स 50.5% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी और नॉट, बताओ। सीजी होल्ड्स 50.5% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। नो, बिकॉज 51% और मोर, दैट इज एटलीस्ट 51% तो होना ही चाहिए, ठीक है। हो गया। किसी को पता है ये क्या होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एनीवन? किसी को आता है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट? तो फिर एक लाइन लिखिए। Government company has to be distinguished from government department also and government establishment, जो गवर्नमेंट कंपनी होता है वो हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो उसके लिए हमको क्या जानना होगा, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है। तो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट होता है एनी एंटिटी वेयर गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी और गवर्नमेंट वर्क विथ। समझ में आया गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है? एनी एंटिटी, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी एंटिटी जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहता है और गवर्नमेंट उनके साथ मिलके
काम करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। समझ में आ रहा है ना? और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट वर्क थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एग्जाम्पल, हाँ वर्क है, गवर्नमेंट वर्क थ्रू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ, जैसे एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल जो समझ में नहीं आएगा बताना है। एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन और लिखो, और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन लीगल अफेयर्स, दे आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Not a government company. इसमें confusion मत रखना। They are different from government company. Okay? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा है ना? यस मैम। हो गया नोटिंग? हो गया? एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ट्रू और फॉल्स? Employees of government company are government employees. बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताइए। कोई भी आंसर दो, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो फिर भी रेस्पॉन्स तो करना चाहिए, तभी क्लास कराने में इंटरेस्ट आएगा। मैं अगर यहाँ पर बैठ बैठ के सिर्फ पढ़ाती रहूँगी क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? तो आप लोग अगर सिर्फ सुनते रहेंगे तो मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। बताओ ट्रू और फॉल्स?
फॉल्स. क्यों फॉल्स? क्योंकि हमने कंपनीज एक्ट में एक फीचर्स पढ़ा था, क्या था वो? सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी. उसमें क्या था? कंपनी अलग और उनके ओनर या फिर मेंबर या फिर कोई भी अलग. ठीक है, तो एक लाइन लिखो. कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी. नोबडी ओन्स ओन्स द कंपनी. नो वन ओनर ऑफ द कंपनी इवन द गवर्नमेंट. ठीक है, कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी. नोबडी ओन्स द कंपनी. नो वन ओनर ऑफ द कंपनी इवन द गवर्नमेंट. समझ में आया? ठीक है, हो गया आपका? ऑनलाइन स्टूडेंट नोटिंग हो गया? मैम 1 मिनट होल्ड, लास्ट लाइन. समझ में आया है ना? क्यों नहीं है? यस मैम. वो सिर्फ उस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है. ठीक है, फटाफट लिखिए. मुझे और एक चीज़ दिखाना है आप लोगों को आज, जो आपको इंटरेस्ट आएगा शायद. हो गया, एक एग्जाम्पल लिखो. सी जी होल्ड्स 20% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड. एसजी होल्ड्स 35% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड ऑफ असम. इन एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड व्हिच इज सिचुएटेड इन आसाम, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बन गया है आसाम. इज इट अ गवर्नमेंट कंपनी? फिर से एक बार डेफिनेशन को रीड करो. गवर्नमेंट कंपनी एज एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन, इसका में इसका मतलब क्या है? एटलीस्ट. नॉट लेस देन मीन्स एटलीस्ट. ठीक है, एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सीजी और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय द सीजी और एंड पार्टली
बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट आया पार्टली सीजी और वन और मोर एनी स्टेट गवर्नमेंट ओके एंड इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनीज तो क्या बन जाएगा ये गवर्नमेंट कंपनी सॉल्यूशन लिखो एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट कैसे बनेगा सी जी एस जी सी जी प्लस एस जी होके भी हो सकता है जैसे 20% प्लस 35% 55% ठीक है हो गया ओएनजीसी नाम सुना है ओएनजीसी सुना है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो कैसे समझ में आएगा ठीक है ओएनजीसी इज अ गवर्नमेंट कंपनी ठीक है क्या आया है ओएनजीसी शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है इसमें तो सारा सालों का आ रहा है आया आया इसमें क्या है कहाँ चला गया दिख रहा है ना सबको बीच में से आप एक एक चीज लिख सकते हैं होल्डिंग ऑफ शेयर्स लिखिए होल्डिंग होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी बाय गवर्नमेंट इज इन द नेम ऑफ
पता कैसे चलेगा कि ये सीजी ने किया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड किया है? ये तो कोई कंपनी नहीं है ना, गवर्नमेंट कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, और कोई इंसान भी नहीं है, कोई बिल्डिंग भी नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैम एक क्वेश्चन से या नोट है? नोट है, मैंने जो अभी दिखाया था ना ONGC का शेयर पैटर्न, उसी के लिए एक नोट है कि पता कैसे चलेगा कि किसने होल्ड किया है और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक गवर्नमेंट ने ही होल्ड किया है। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ बताओ। हाँ, वो होल्ड करेगा क्योंकि पर्सन तो चेंज होता रहेगा, इसीलिए वो जो पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इन केस ऑफ सीजी, और इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? नोटिंग हो गया है? मैम नहीं, फास्ट फास्ट, टाइमिंग कम है, पढ़ना बहुत है। सिर्फ अगर मैं अगर आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ा के अगर चली जाती तो कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी हम लोगों को समझ में आ रहा है जो हम लोगों को पता नहीं होता है, वो पढ़ते पढ़ते स्टडी करते करते बहुत कुछ जान भी सकते हैं। ठीक है, हो गया है? यस मैम। तो क्या है, इन केस ऑफ सीजी कौन होल्ड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन आए हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितना है? 58.893%। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इंडियन ऑयल है, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है, गैस अथॉरिटी है, CPSC है, SBI निफ्टी 50 ETF है। ठीक है, सारा आप लोगों के सामने शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो आ गया है। तो हमको सिर्फ इसमें से जानना है कि गवर्नमेंट दैट मीन्स सीजी कितना होल्ड करता है? 58%। दोनों इंक्लूडिंग है, प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स। ये शायद नॉन प्रमोटर्स का होगा। डिटेल्स ऑफ पर्सन्स और एंड होल्डिंग्स 1% और मोर शेयर्स एज ऑन December 31, दोनों का ही है इसमें लिखा है, प्रमोटर्स। ओके, प्रमोटर्स हो गया ये सब, और नॉन प्रमोटर्स हो गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अदर्स। ठीक है, दोनों का है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि 58.893%। तो ONGC एक गवर्नमेंट कंपनी है, कैसे पता चलता है? उसका शेयर होल्डिंग से, जो 51% या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करो नेक्स्ट पेज में। ONGC इज अ गवर्नमेंट कंपनी, 58.893%। ONGC holds
50.2% shares in A limited. ये हम भूल जाएंगे हाँ, सिर्फ हमको देखना है कि क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, हम शेयर होल्डिंग याद नहीं रखेंगे. ONGC holds 50.2% shares in A limited. Is A limited a government company? क्या ए लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है? स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया? सॉरी CG holds 58% in ONGC Limited, which is government company. ONGC holds 50.2% in A Limited. Is it a government company? फिर से डेफिनेशन में जाइए. आप लोगों को कभी भी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछेगा. अगर पूछा भी तो है वो आप लोगों का लक अच्छा है, लेकिन आप लोगों को पूछेगा ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन. ठीक है, कुछ नहीं देखना है, सिंपल है. सिर्फ हम लोगों को देखना है एक लाइन, एंड लास्ट लाइन में देखो डेफिनेशन का, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, अगर कोई सब्सिडियरी भी है फिर भी वो क्या हो जाएगा, कोई क्या सब्सिडियरी है ONGC का? क्यों है? बिकॉज ONGC होल्ड्स 50% और मोर इन ए लिमिटेड. ओके, तो लिखो लाइन, लिखो सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी. जब भी कोई नोट लिखेंगे ना, तब आप लोगों का जो पेन है वो अलग यूज कीजिएगा, तब नोटिंग डायरेक्ट समझ में आएगा. एग्जाम के टाइप में आप अगर एग्जाम्पल भी नहीं देख के डायरेक्ट नोट देख के भी चला जाएंगे तो हो जाएगा. ठीक है, वी आर नॉट काउंटिंग गवर्नमेंट कंपनीज होल्डिंग. हम लोग उनका जो होल्डिंग है वो नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे कि सब्सिडियरी है कि नहीं है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यस, A limited is a, yes, A limited also a government company. ठीक है मैम, ये
एक बार अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो 51 मतलब एटलीस्ट 51% शेयर्स होना चाहिए, हाँ और ये इसीलिए तो देखो। सब्सिडरी फिर भी इसको काउंटिंग हम लोग करेंगे क्या? हाँ, बताओ बताओ, फिर से रिपीट करो। गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए एटलीस्ट 51% शेयर्स होना चाहिए, ठीक है, और ये सब्सिडरी कंपनी है क्योंकि यहाँ पे 50.2% शेयर्स है। एलिमिट तो ONGC का सब्सिडरी है, ये तो समझ आ गया, हाँ पर गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें एटलीस्ट 51% शेयर्स इसीलिए तो होना चाहिए। डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन देखो, सिर्फ 51% देखने से नहीं होगा ना। 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पेड पार्टली मतलब जॉइंटली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और एक लाइन है देखो, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ इंक्लूड्स अ कंपनी व्हिच इज अ दैट मीन्स ए लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। सच गवर्नमेंट कंपनी मीन्स गवर्नमेंट कंपनी कौन था? ONGC। हाँ, सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी का जो सब्सिडरी है नहीं होगा, इसीलिए तो लिखे वी आर नॉट काउंटिंग द गवर्नमेंट कंपनीज होल्डिंग। कितना होल्डिंग है वो नहीं देखेंगे हम, सिर्फ क्या देखेंगे कि सब्सिडरी है कि नहीं है वो देखेंगे, सब्सिडरी का होल्डिंग देखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का जो होल्डिंग है वो नहीं चेक करेंगे। समझ में आया? डाउट क्लियर यस है? मैम, यस मैम। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक है सब्सिडियरी, दो नहीं तीन है, सीजी प्लस एसजी, ये भी एक है। ऐसे तो पता चल जाता है कि सीजी और एसजी होने से होगा, सीजी एसजी एक है, दो फर्स्ट सेकंड हो गया, एटलीस्ट 51%, और थर्ड क्या है? सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो हम लोगों को गवर्नमेंट कंपनी में तीन की पॉइंट याद रखना होगा, तभी हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और एक देख ले, टाइम है थोड़ा सा, टाइम है। ठीक है, और एक छोटा सा सेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट डे और एक सेक्शन देखेंगे। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या किसी को पता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसमें हम लोगों को बताया गया है कि ये लिस्ट है जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और नीचे में देखो और कुछ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस, अगर ये नहीं है तो वो कभी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकते हैं। तो लिस्ट में क्या है? सबसे पहले LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हो गया ना नोटिंग? PFI सेक्शन 2 क्लॉज 72, इसमें क्या है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हम लोगों को एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं, तो आपको मार्क्स भी वैसे ही मिलेगा, आधा दे के रख देंगे। अगर इसका शॉर्ट नोट आया है 4 मार्क्स का तो आपको मिलेगा हाफ। ठीक है, तो फुल फॉर्म लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट हो गया है ID, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IDFC। ठीक है,
द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, और थर्ड में है स्पेसिफाइड कंपनी UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और क्या है इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय CG, नोटिफाइड बाय कौन CG, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड करता है, और सच अदर इंस्टीट्यूशन अदर्स जिसे CG नोटिफाइड करता है, और सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय CG नोटिफाइड विथ कंसल्टेशन कंसल्टेशन ऑफ RBI, CG खुद से नहीं कर सकता है, CG का जो नोटिफाइड है वो तो हो गया है, अगर और दूसरा कोई CG नोटिफाइड करना चाहता है तो किससे कंसल्ट करना पड़ेगा, RBI से, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम नोटिफाइड नहीं कर सकते हैं जिसमें unless it has been established or constituted by or under any central or state act, ठीक है, वो CG या फिर SG के constituted या फिर notified होना पड़ेगा, और not less than 51%, मतलब not less than means at least 51% किसका 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय, इज हेल्ड है और कंट्रोल भी है, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय CG और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और टुगेदर CG और SG, इसमें देखो हाँ, इसमें कोई सब्सिडियरी बोल के नहीं है, मार्क माई वर्ड, इसमें सब्सिडियरी बोल के नहीं है, इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें सब्सिडियरी का कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में कन्फ्यूजन होके सब्सिडियरी लिख के मत आइएगा, इसमें CG है, SG है, CG प्लस SG है, लेकिन सब्सिडियरी नहीं है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या था, ये इसमें सब्सिडियरी नहीं है, ओके समझ में आया, PFI क्या क्या है फिर से एक बार रिपीट कीजिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट इंडिया और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय CG एंड अदर्स नोटिफाइड बाय CG विथ कंसल्टेशन ऑफ RBI, ओके, और प्रोवाइडेड दैट नो कंपनी शैल बी PFI अनलेस, बताओ, constituted with CG or at least 51% or more, at least 51% or controlled by CG, SG, partly by CG or and, कुछ कुछ वर्ड होता है और एंड, वो आप लोगों का की पॉइंट होता है, वो अच्छे से देखना होता है, एग्जाम में भी ठीक से लिखना पड़ता है, जैसे इसमें और नहीं होगा CG एंड SG, ओके, वो हम लोग पार्टली CG या फिर पार्टली SG लिख सकते हैं, नहीं तो टुगेदर विथ CG एंड SG, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
आप लोगों को समझ में आया है ना? यस मैम। ठीक है।